दादरी पुलिस ने घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की मदद के लिए हरियाणा उदय टीम का गठन किया है। 6 पुलिस कर्मियों के अलावा 6 महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं को टीम में शामिल किया गया है। यह टीम फील्ड में उतरेगी और घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के बारे में पुलिस रिकॉर्ड व अपने स्तर पर जानकारियां जुटाकर मदद करेगी। एसपी के निर्देशों पर टीम के माध्यम से पीड़ितों को न्याय दिलवाया जाएगा। सीएम सर ने एक हरियाणा उदय नाम से कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च किया है 1 तारीख से। उसी के अंतर्गत ये हमने चरखी दादरी पुलिस ने एक स्कीम लॉन्च करी है, एक मुहिम लॉन्च करी है, जो कि डोमेस्टिक अब्यूज़ के जो शिकार हैं उन विक्टिम्स को मदद करने के लिए। प्राय ये देखा जाता है कि जो डोमेस्टिक अब्यूज़ के जो विक्टिम्स हैं उनकी तादाद ज़िले में लगातार बढ़ती जा रही है, और न केवल अब्यूज़ की इंटेंसिटी की भी। अभी कल का ही वाक्या है कि बौन थाने में एक महिला को उसके ससुराल पक्ष ने जला के लाइक शी 70% बर्न, 70% उसको जला दिया है। इस तरीके की घटना है पिछले गत 15 दिन में। मैं देख रही हूँ कि 2-3 महिलाएं ऐसे आई हैं जिनके को मल्टीपल फ्रैक्चर्स उनके ससुराल पक्षों के द्वारा किए गए हैं। तो इस तरीके की अब्यूज़ की, जो वायलेंट अब्यूज़ की घटनाएं हैं, वो लगातार बढ़ रही हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये मुहिम चालू की है। इसके अंतर्गत हमने 6 पुलिसकर्मी, जो हमारे महिलाओं और एक जेंट्स पुलिसकर्मी है, तो उनको तैयार किया है, और वो उनके साथ उनकी मदद करने के लिए 6 पब्लिक के जो महिलाएं हैं उनको भी हमने अपनी टीम में शामिल किया है। और ये 12 लोगों की टीम जो है वो सेंसिटिवली और एमिकेबली जो डोमेस्टिक अब्यूज़ एज वेल एज़ डोमेस्टिक डिस्प्यूट, इन दोनों समस्याओं को एमिकेबली और मीडिएशन के थ्रू निदान करने की कोशिश करेंगे, महिलाओं को विजिट करेंगे। इसमें हमने अभी मुख्य तौर से 20 महिलाओं का ऐसे चयन किया है जो जिनके साथ ये वायलेंट डोमेस्टिक अब्यूज़ हुआ है, जिनको बहुत मारा पीटा गया है, उनके घर पे जाके उनके सुदबुद लिया जाएगा, उनको विज़िट किया जाएगा, और उनके जो केसेस हैं उनमें उनका भी फॉलो अप करा जाएगा। और ये भी देखा जाएगा कि केसेस टू कोर्ट होने के बाद, कोर्ट में भी जाने के बाद भी महिला के साथ कोई ऐसा डिस्प्यूट, ऐसा अब्यूज़ दोबारा तो नहीं हो रहा है, तो ऐसे केसेस का फॉलो अप भी बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये मुहिम चालू की है। ज़्यादातर ये देखा गया है कि फैमिली डिस्प्यूट होते हैं, ज़्यादातर केसेस में फैमिली डिस्प्यूट होते हैं कि छोटी छोटी बातों पे झगड़ा शुरू हो जाता है, वो बड़ा होते होते फैमिली डोमेस्टिक अब्यूज़ में बदल जाता है। तो प्राय ये देखा गया है कि जो महिलाएं हैं वो जब डिस्प्यूट शुरू होता है तब हमारी मदद के लिए नहीं आती।